कहेंगे एक घड़ा अमृत दे दिए, दे दीजिए। घड़ा मतलब उस दिन खैला। अब प्रेम से अगर एक घड़ा अमृत नहीं देगा तो सात तो घड़ा अमृत ले लेंगे, जबरदस्ती ले लेंगे, सेना सर को पिला देंगे, लक्ष्मण जी को पिला देंगे, और थोड़ा बहुत बच जाएगा तो सकरा पहाड़पुर में दुकानें खोल लेंगे। दो दवा समझ गए ना। अब तीसरी दवा देखिए, हनुमान जी कहते भगवान राम से कि सच कहता कृपाल के लाऊं शिव को भी कैलाश समेत, अपने लक्ष्मण जी के अपने लक्ष्मण जी के अमर बोली सुनवावेंगे, अमर बोली सुनवावेंगे, लखन मर शंकर भगवान के पास जाएंगे। शंकर भगवान अमर वाणी जानते हैं। शंकर भगवान से कहेंगे कि अमर वाणी बोलिए, लक्ष्मण जी मरे नहीं, अगर कोई मर जाता है और शंकर भगवान अमर वाणी बोलते हैं तो मरा हुआ जीव भी जिंदा हो जाता है, लक्ष्मण जी तो मरे नहीं है, बेहोश हैं। शंकर भगवान आएंगे, उनसे कहेंगे कि चलिए अमर वाणी बोलने के लिए। लक्ष्मण जी के नजदीक शंकर भगवान अमर वाणी बोलेंगे और लक्ष्मण जी होश में आ जाएंगे। और शंकर भगवान भी नहीं आएंगे, चलेगा उनका सा धक्कम धोका। तब तो भगवान को चढ़ गया गुस्सा। भगवान कहते हनुमान अपनी दवाई अपना पास में रखो। अशोक जी की माता जी की तरफ से 15 रुपए का दान, भगवान ने सुख और शांति का दान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बाबू जी, ध्यान दीजिएगा, भगवान राम कहने लगे कि बोलो हनुमान। हनुमान जी बोले सरकार जब शंकर भगवान नहीं आएंगे ना, चलेगा धक्कम धक्का उनके साथ। तब तो भगवान को चढ़ गया गुस्सा। भगवान कहते हनुमान अपनी दवाई अपना पास में रखो। हनुमान जी का जुलम हो गया, दवाई बताए नहीं, पहले रिएक्शन हो गया, हमारे सरकार गुस्सा गए। भगवान कहते सरकार सुनिए ना, गुस्सा क्यों गए? भगवान कहते हनुमान तुमको मालूम नहीं है कि मैं शंकर भगवान को इष्ट मानता हूं, मैं अपना से बड़ा मानता हूं और वो अपना से बड़ा हमको मानते हैं, और तुम उनके साथ धक्कम धुक्का करेगा, हम एक दूसरे को इज्जत करते हैं और तुम धक्कम धुक्का करेगा। हनुमान जी बोले तब तो पहले भगवान को मनाना होगा, तब दवाई लाने जाएंगे। कहते सरकार, और कहने का मतलब ये कि मैं शंकर भगवान के बारे में बोल दिया कि धक्कम धुक्का करेंगे नहीं आएंगे, इसलिए गुस्सा गए। भगवान कहा, हनुमान जी बोले एक बात बताइए, आप उनकी इज्जत करते हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं, आप उनको बड़ा मानते हैं, वो आपको बड़ा मानते हैं, इसका मतलब आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, मित्र है ना? भगवान बोले हाँ। हनुमान जी बोले लिखा है कि मित्र दुख देख के अजे दुखारी, ताक बिलोकत पात कभार। लिखा है कि दोस्त के दुख को देखकर जो दोस्त दुखी नहीं होता है उसको पाप का भागी बनना पड़ता है, नहीं?
तो आपके दोस्त हैं शंकर भगवान, वो क्या नहीं है, वो मूर्ख थोड़े हैं। वो सुनेंगे कि हमारे दोस्त का भाई संकट में है, दौड़ करके आएंगे, वो अमर वाणी सुनाएंगे। और दोस्ती तो देखा जाए दूध और पानी की तरह, एको कड़ाही में दूध।